धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको पुरुषार्थ चतुष्टय भी कहा जाता है और इसी को जीवन का प्रयोजन भी कहा जाता है। जीवन का प्रयोजन क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ। हम धर्म पूर्वक जीवन को जिए, अर्थात अपना उत्तरदायित्व, अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी हम ठीक से निभा पाए, इसके लिए आपको आरोग्य चाहिए धर्म का अनुष्ठान करने के लिए। अर्थ जीवन में समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, ऐश्वर्य, विजय, सफलता, उपलब्धियां पाने के लिए आपको स्वस्थ होना जरूरी है। और जो आपकी अच्छी कामनाएं, आपके मन में जो बड़े संकल्प हैं, उन बड़े संकल्पों, उन सात्विक संकल्पों, उन दिव्य संकल्पों की पूर्ति के लिए भी आपको स्वस्थ होना जरूरी है। नहीं तो आप बड़ी बातें सोच तो सकते हैं, उनको क्रियान्वित नहीं कर सकते, उनको साकार रूप नहीं दे सकते, जमीन पर उतार नहीं सकते यदि आप स्वस्थ नहीं है। और जीवन में पूर्णता पानी है, सब प्रकार के क्लेशों से, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, पंच क्लेशा, सब प्रकार की वृत्तियों से, प्रवृत्तियों से, सब प्रकार के दुख से, दरिद्रता से, अशुभ से आपको मुक्त होना, इसको मोक्ष कहते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनको सिद्ध करना है तो आपको आरोग्य चाहिए। और आरोग्य के सूत्र आपको हम हर दिन देते हैं आस्था के माध्यम से। और महर्षि चरक, शुश्रुत, धन्वंतरी आदि, महर्षि पाणिनि, पतंजलि आदि ऋषिमुनियों से चली आई इस गौरवशाली परंपरा को, जिसको हम योग कहते हैं, आयुर्वेद कहते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं, जिसको हम वैदिक जीवन पद्धति कहते हैं, ये हम आपको बताते हैं। और आप जो मुझसे सुनते हैं, इसको औरों तक पहुंचाएं, सब जगह इसको फैलाएं, क्योंकि दुष्प्रचार तो बहुत हो रहा है, हम सही प्रचार करें।